लेकिन मैं भाईजान नाम से जाना चाहता हूँ। कोई जान देता है, कोई जान लेता है। मुझे एक एक की चीख सुननी है। ये वायलेंस नहीं है बाबू, दिस इज कॉल्ड सेल्फ डिफेंस। जब किसी नॉन वायलेंट आदमी के पीछे एक वायलेंट आदमी पड़ जाए, उस नॉन वायलेंट आदमी के सामने एक बहुत ही वायलेंट आदमी का खड़ा होना जरूरी है। दोस्तों, हिंदुस्तान के भाईजान यानी कि सुपरस्टार सलमान खान की वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन रोमांटिक ड्रामा मूवी जिसका नाम है किसी का भाई किसी की जान, और इस मूवी के अंदर हमें जबरदस्त एक्शन सीन के साथ साथ बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक भी सुनने को मिलता है, साथ ही साथ इमोशनल सीन भी देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ रोमांटिक सीन भी देखने को मिलते हैं। यानी कि ये पिक्चर बिल्कुल परफेक्ट है और एक गिफ्ट है सलमान खान के फैंस के लिए ईद के मौके पर। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जब इस मूवी का टीजर रिलीज हुआ था तो काफी ज्यादा लोग निराश हुए थे, किसी को पसंद नहीं आया था और किसी को पसंद आया था। पर्सनली मुझे भी इस मूवी का टीजर कुछ खास नहीं लगा था और ऐसा लग रहा था कि ये मूवी फ्लॉप भी हो सकती है, लेकिन जैसे ही इस मूवी का ट्रेलर रिलीज होता है तो सबकी राय बदल जाती है और मेरी खुद की राय भी बदल जाती है। और मैंने खुद ने भी उम्मीद नहीं की थी कि इस मूवी का ट्रेलर इतना अच्छा निकल कर आएगा। और हर किसी को इस मूवी का ट्रेलर पसंद आ रहा है, क्रिटिक्स तो तारीफ कर ही रहे हैं लेकिन साथ ही साथ जनता भी इस मूवी को खूब इंजॉय करने वाली है। लेकिन ट्रेलर के अंदर हमें एक नेगेटिव पॉइंट भी देखने को मिलता है और इस ट्रेलर के अंदर कहीं ना कहीं मेकर्स ने इस मूवी की स्टोरी को काफी कुछ रिवील कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो इस मूवी की कहानी आधारित है एक ऐसे व्यक्ति पर जो कि बचपन से ही अनाथ है, लेकिन बड़ा होकर उसे साउथ की एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाता है जिसके परिवार के बीच बहुत बड़ी दुश्मनी चल रही होती है और उस दुश्मनी के चलते कुछ लोग उसके परिवार को खत्म कर देना चाहते हैं, जिसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है जिसके आगे की कहानी जानने के लिए आपको पूरी मूवी देखनी होगी। तो किसी का भाई किसी की जान एक मास एंटरटेनमेंट के साथ फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी भी है जिसको आप पूरी फैमिली के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। और अगर बात करें इस मूवी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट की तो उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस मूवी का ट्रेलर कैसा लगा और आप इस मूवी को देखने वाले हो या नहीं, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर बात करें इस मूवी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट की, क्रिटिक्स का कहना है कि ये मूवी अपने पहले ही दिन 20 से 30 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है। और अगर बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की तो ये मूवी आपको 21 अप्रैल को सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है, जिसको हिंदी के साथ साथ तमाम साउथ की भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा।